हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे फ्रेंड्स आप जान गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आपके सीबीएसई जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट्स कट ऑफ से रिलेटेड आपके डाउट्स के सॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें इससे पहले कि हम हर एक चीज को जाने, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और फ्रेंड्स आपको देख रहा होगा वीडियो के बाजू में एक बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, इससे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सकेगी सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों शेयर अवश्य करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपके हर एक डाउट को करते हैं क्लियर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके सीनियर असिस्टेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट नंबर वन। फ्रेंड्स बहुत सौ को पता ही नहीं है, इसलिए मैं है वीडियो की लाया और आप लोगों को बात बता रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर लाना होगा अनिवार्य रूप से। कितने दोस्तों आपको लाना होगा नंबर यहाँ पर 40%। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इससे ज्यादा नंबर कम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बेहम में ना रहें। हालांकि मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराया था असिस्टेंट्स वाला आपके सीनियर का, तो उसमें बिल्कुल बाकायदा आप लोगों को जो कट ऑफ बताया गया है वो आपके 50% के लेस है। फ्रेंड्स आप लोग वहां पर समझ जाते, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको समझ में नहीं आया और उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको जो जूनियर सीनियर असिस्टेंट्स में आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी किसी कैंडिडेट के मार्क्स इससे भी कम है और वो टाइपिंग की तैयारी करने लगे। तो दोस्तों आपको बता दें आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि यदि आपके 40% नहीं आते आपकी कैटेगरी एस सी से तो दोस्तों आपका क्वालिफाई होना मुमकिन नहीं, आप बिल्कुल ना करें तैयारी आपके नेक्स्ट लेवल मतलब की टाइपिंग की। अब दोस्तों 40% जब आपको लाना है आउट ऑफ कितने आपको लाना है दोस्तों 150 क्वेश्चन में से, या यूं कहें कि आपके 150 का दोगुना हो जाएगा 300 मार्क्स में से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और आपके टोटल 150 क्वेश्चन है तो यहाँ पर 300 नंबर आपके निकल के आते हैं। अब फिर जब आपको 40% लाना है तो आप 40% निकाल लीजिए, आपका डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा कितना दोस्तों, आपका निकलेगा दोस्तों 120 मार्क्स। यदि आपके 120 मार्क्स के समथिंग है फिर तो आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, टाइपिंग की तैयारी करें, वरना बिल्कुल आप ही छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों जब आप क्वालिफाइंग मार्क्स ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे मिनिमम 40%, तो दोस्तों आप नेक्स्ट लेवल के लिए कैसे क्वालिफाई हो पाएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को यह बात बताना जरूरी समझा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि आप यदि एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने मार्क्स लेकर आना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके एस टी की। तो दोस्तों आपको बता दें चाहे फिर आपका एस सी हो या फिर आपका एस टी हो, फ्रेंड्स आप लोगों के लिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% ही रखा है। कहने का मतलब यदि आप एस टी से बिलोंग करते हैं फिर भी आपको यहाँ पर 300 में से आपको दोस्तों लाना होगा मार्क्स कितने, आपके 120 मार्क्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको यहाँ पर 40% लाना होगा और आप 300 का जब 40% निकालेंगे तो दोस्तों निकल के आएगा 120 मार्क्स। तो फ्रेंड्स यदि आपको भी क्वालिफाई करना है तो आपके नंबर 120 के समथिंग होना अनिवार्य है, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, आपकी टाइपिंग की तैयारी करें, वरना दोस्तों आप अभी छोड़ दें क्योंकि आप बेहम में ना रहें। साफ साफ यदि आपने नोटिफिकेशन रीड नहीं किया, आपको पता नहीं है कि आपको 40% लाना है, तो आप आगे की तैयारी बिल्कुल ना करें, आप अभी छोड़ दें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार यदि आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से तो आपको कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके ओबीसी कैटेगरी की कि आखिरकार आपके कितने मार्क्स होना ही होना चाहिए अनिवार्य रूप से, वरना फ्रेंड्स आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी बिल्कुल ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे मार्क्स इतने हैं, जिसमें मेरे को मैक्सिमम ऐसे कमेंट्स दिख रहा है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन लोगों को यह पता नहीं है कि इतना लाना अनिवार्य है, वरना हमारा आगे का कोई मतलब नहीं, हम टाइपिंग बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं यह वीडियो लाया। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीनियर असिस्टेंट्स के लिए आपको लाना होगा कितने, आउट ऑफ 300 में से दोस्तों 300 में से आपको नंबर लाना होगा यहाँ पर 45%।
अब जब दोस्तों आप 45% निकालेंगे आपके 300 का, तो आपके समक्ष वैल्यू निकल के आएगी कितनी? जी हाँ दोस्तों, वैल्यू निकल के आएगी 135 मार्क्स। ये हो जाएगा आपका 300 का 45%। इतने नंबर तो एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपके होना ही होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके 135 नंबर नहीं है तो समझिए कि आप अभी डिस्क्वालीफाइड हैं। हालांकि 135 नंबर भी करेक्ट हो तो फिर भी आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन ज़्यादा है, आपके इससे मार्क्स ज़्यादा ही ज़्यादा होने चाहिए, कम की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं हमारा फर्स्ट कट ऑफ वाला, जिसमें हमने सीनियर असिस्टेंट्स के लिए बताया है। वहां पे दोस्तों आपको बता दें, मैंने मार्क्स वाइज नहीं बताया, वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर वाइज बताया है। वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बहुत से स्टूडेंट्स ने समझ लिया कि वहां पर मैंने जो 300 मार्क्स है इसमें से बताया है। मैंने 300 मार्क्स में से नहीं बता के वहां पे बताया है आपका 150 क्वेश्चन में से, क्योंकि वहां पर दोस्तों आपने देखा होगा वहां पर मैंने 50% को क्रॉस ही नहीं किया। अब दोस्तों जब 50% को क्रॉस ही नहीं किया तो फिर यूआर वाले कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, आप ही बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे कंफ्यूजन में ना रहे, इसलिए मैं है वीडियो लेकर आया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रह सकता है, मिनिमम इतना होना अनिवार्य है। अब हम इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं आपकी यूआर कैटेगरी का, कि आखिरकार यदि आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स कितने आना अनिवार्य है, आपके इससे ऊपर होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन डन है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक चीज को। तो फ्रेंड्स, आप आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपकी यूआर या जर्नल कैटेगरी की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी बहुत से कैंडिडेट के ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, सर मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे मार्क्स इतने हैं। यदि मैं कमेंट्स गिनाऊंगा तो बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, तो इसका मतलब इनको भी नहीं पता कि आखिरकार हमारे अनिवार्य रूप से मार्क्स आने कितना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मार्क्स इतने से ज्यादा नहीं है तो आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, आप अभी से बिल्कुल दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, वक्त जाया मत करें। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपको सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपके सीबीएसई में मार्क्स लाना अनिवार्य है कितने। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ 300 मतलब कि 300 नंबर में से दोस्तों आपके नंबर लाना चाहिए आपको 50%। जी हाँ दोस्तों, और जब आपके 300 का 50% निकालेंगे तो आपके समक्ष वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, आपकी वैल्यू आएगी दोस्तों 150 नंबर। या यूं कहें, यदि आप क्वेश्चन वाइज देखें तो आपको 150 का आधा कर देना होगा दोस्तों, तो आपके समक्ष वैल्यू निकल के आएगी कितनी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके समक्ष वैल्यू निकल के आएगी 75 मार्क्स। यदि इतने हैं तो फिर आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार रहें। लेकिन दोस्तों, आपको अभी भी अलर्ट कर दूं, इतने से भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 50% और आपका यूआर का कट ऑफ इम्पॉसिबल। 50% से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, ये तो उन्होंने अनिवार्य रूप से क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, इतने आना अनिवार्य है। लेकिन मतलब यह नहीं कि इतने आ गए तो आप पास हो, आपके नंबर कितने आने चाहिए तो आपको इसके लिए वीडियो देखना होगा। इसी के लिए मैंने यहाँ पर आपका साइड बटन दिख रहा होगा आपको कॉर्नर पे, इसमें वीडियो प्रोवाइड करा है, आप देख सकते हैं जनरल का कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो आप उसको देख लेना तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे जाना कि आपके एससी का, एसटी का, ओबीसी का और यूआर का कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि आपके इतने हैं फिर तो आप आगे की सोचें, वरना इतने से कम है तो आगे की सोचना ही बेकार है। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ डाउट्स हैं, मेरे को लगता है शायद इन्फॉर्मेशन ना हो तो वह बताना जरूरी है। क्या कि दोस्तों, यदि आपके इतने से ज्यादा हैं और आप समझते हैं कि हाँ आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपके रिटर्न एग्जाम को आप टाइपिंग की तैयारी करें, तो दोस्तों आपके टाइपिंग से संबंधित भी मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए टाइपिंग में आपके सीनियर असिस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको कितनी टाइपिंग मांगी है? आपको मांगी है 40 वर्ड्स पर मिनट। जी हाँ दोस्तों, 40 वर्ड प्रति मिनट आप लोगों के लिए टाइपिंग मांगी है। यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन 100% आपको बिल्कुल पूरी मिल जाए, क्योंकि किसी किसी कैंडिडेट को शायद पता भी ना हो। तो फ्रेंड्स, आपने यहां पे जाना कि आपके कितना आपको मार्क्स लाना अनिवार्य है और कितनी टाइपिंग आपकी मांगी है। यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं बिल्कुल क्वालिफाइंग, आप बिल्कुल आराम से कर रहे हो, आपको लगता है कि सिलेक्शन डन है, तो आप बिल्कुल जी जान से दिन रात एक कर दें और आपके यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी करें। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आपकी टाइपिंग मात्र एंड ओनली क्वालिफाइंग है, आपको इसका एक भी नंबर नहीं मिलने वाला।
आप चाहें कि आपको इसका नंबर मिलेगा तो नंबर एक भी नहीं मिलना है, सिर्फ आपको एक टेस्ट की भांति इसको क्वालिफाई करना है। यदि आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो फिर आप बिल्कुल आपकी जॉब पाने के लिए 100% डन है। ओके तो फ्रेंड्स, हर एक चीज को मैंने यहाँ पर बता दिया, लेकिन अभी भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।